एक व्यापारी लोगों से 10 लाख की भैंसे लेकर फरार हो गया। व्यापारी की लूट से परेशान भैंस पालकों ने थाने में शिकायत की और जल्द से जल्द इस धोखेबाज व्यापारी को ढूंढने की मांग की। ये मामला बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र का है, जहां कनेरा गांव के रहवासी बालकुशन यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पौरी गांव के रहने वाले लल्लन मुसलमान, जो कि मंडी रोड के पास सड़क किनारे रहकर भैंसों का व्यापार करता था, वो हम सभी से 23 नग भैंसे ले गया। उसने 2 दिन में पैसे देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसने 1 भी रुपये नहीं दिए। वहीं पुलिस ने भी पीड़ित भैंस पालकों की शिकायत पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीआई के खनेजा ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने पूरा प्रयास कर लिया, पुलिस अभी बाहर इलाहाबाद भी गई थी, उनके भी अंतर में लिए, लेकिन वो जो ले गया वो वहाँ मिला नहीं, वो 1 दिन पहले ही वहाँ से निकल चुका था। और जो भी खबर लगेगी हम पूरा प्रयास करते हैं बरामद करने की, क्योंकि 17-18 लाख रुपये के एक व्यापारी था लल्लन मुस्लिम, हाँ वो हम लोग भैंसें ले गया है, 2 दिन ही किया, 2 दिन में पैसा देंगे, चेत की से कम से कम वो 18-19 हज़ार की भैंसें ले, 2 दिन की बोली, 2 दिन में दे रहे पैसे, हमारा था 1,10,000, 45,000 हमारा एक भैंस बाकी टोटल 10 लाख के करीब है, 23 नंग लेके गया।